नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री की फटकार के बाद रो पड़े गिरिराज सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंगलवार को मिली फटकार के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की आंखों में आंसू निकल आए। एक जानकारी के मुताबिक जब सिंह प्रधानमंत्री के कमरे से बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू थे, हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया है। उल्लेखनीय है कि सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सोमवार को इस मुद्दे पर संसद में जमकर हंगामा हुआ था। गिरिराज को इस मामले में सदन में माफी भी मांगनी पड़ी थी। बाबा रामदेव ने ठुकराया मंत्री पद का दर्जा। योग गुरु स्वामी रामदेव ने मंगलवार को हरियाणा सरकार की ओर से की गई कैबिनेट मंत्री के दर्जे की पेशकश को ठुकराते हुए कहा कि वह मंत्री पद के आकांक्षी नहीं हैं और बाबा ही रहना चाहते हैं। दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर राई में उनको सम्मानित करने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में रामदेव ने कहा कि इस सम्मान से नवाजने के लिए मैं सरकार को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, लेकिन विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि मैं बाबा और एक फकीर के तौर पर आपकी सेवा करना चाहता हूं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि रामदेव को खुश करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। राहुल गांधी के भाषण की तुलना शैतान से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि अध्यादेशों पर भाजपा सरकार की आलोचना वैसी ही है जैसे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज पर चली। नायडू ने इस अवसर पर लोकसभा में राहुल के बयान की तुलना शैतान के प्रवचन से की। कांग्रेस शासन के पिछले रिकॉर्ड को सामने रखते हुए सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में रिकॉर्ड अध्यादेश जारी किए गए थे, अतः विपक्षी दल को अधिकार नहीं है कि वे हमारे ऊपर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाए। रंगे सियार हैं अरविंद केजरीवाल, आप नेता शांति भूषण ने कहा। 1 करोड़ रुपए का चंदा देकर आम आदमी पार्टी को खड़ा करने वाले वरिष्ठ नेता शांति भूषण ने आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रति आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर भरोसा करने का उनका निर्णय गलत साबित हुआ। उन्होंने कहा कि अरविंद हिटलर की तरह पार्टी पर शासन करना चाहते हैं, अब तो केजरीवाल को हिटलर की ड्रेस भी पहन लेनी चाहिए। भूषण ने केजरीवाल को रंगा सियार करार देते हुए कहा कि अगर पार्टी बागी नेताओं को निकाल रही है तो मुझे क्यों नहीं निकाला। पाकिस्तानी नौका से 600 करोड़ के मादक पदार्थ जब्त। भारतीय नौसेना और तटरक्षकों ने एक संयुक्त अभियान में गुजरात तट के निकट अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक संदिग्ध नौका को जब्त किया है। बताया जाता है कि इस पर लगभग 600 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ लदे थे। नौका पर सवार 8 पाकिस्तानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।